दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा रेडियो मैच खेला जाएगा तो इसमें अपनी फंटेसी टीम बनाने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोस में आ चुके हैं गाइस, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस मैच से जो है रिलेटेड हेडक्वार्ट्स, पेन रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, रिसेंट परफॉर्मेंस, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, ग्रांड लीग की टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन, प्लेयर बैटल एंड दोस्तों साथ ही साथ 1000 का बिल्कुल फ्री गिवे। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, आपको इस मैच से रिलेटेड जो है दो प्लेयर के नेम बताना है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देना है, उनके ऊपर भविष्यवाणी करनी है अपना स्किल यूज करके, जैसे कि डेविड मिलन का आप नाम लेते हैं, अफीफ हुसैन का, तो इनके दोस्तों आपको क्या लग रहा है इस मैच में कितना स्कोर ये बना सकते हैं, कॉमेंट्स करिए इनका नाम और उसके साथ दोस्तों उनका जो एग्जैक्ट रन या विकेट होंगे दोस्तों तो उनको आपको कमेंट्स करना है एंड उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एंड गाइस वहां पे मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर रखा है, आपको फिलहाल वहां पे अपना स्क्रीनशॉट ला करके भेज देना है और अपने 1000 जो जीते हुए पैसे होंगे दोस्तों फोन पे, बैंक अकाउंट, पेटीएम आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते। इस बात कर लेते हैं मैच स्टार्ट कब होगा, बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट मैच होगा। आपको पता है गाइस दो मैच जो है बांग्लादेश विन कर चुकी है, फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट मैच, जिसमें अगर हम देखेंगे ये स्टार्ट कब होगा 14 मार्च इंडियन टाइम अकॉर्डिंग 2:30 यानी कि दोपहर के बाद। दोस्तों बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में मैच होने वाला है। अगर हम दोस्तों स्टेडियम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं और समझते हैं, 2 साल में दोस्तों लास्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पिच रही है दोस्तों बैलेंसड पिच रही है, मतलब बैट्समैन को यहाँ पे कुछ ज्यादा एडवांटेज देखने को नहीं मिला एंड गाइस देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिलहाल जो है पिच बैलेंसड रहती है और जो स्पिनर के लिए अगर हम देखते हैं तो फिलहाल बहुत ज्यादा एडवांटेज रहा है दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स में। बट जो रिसेंट यहाँ पे मैच हुआ है वो आपने देखा है बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के बीच में दूसरा जो टी20 मैच हुआ है गाइस इसी स्टेडियम में हुआ है, जिसमें कि इंग्लैंड टीम पहले बैटिंग करते हुए 117 रन पे ऑल आउट हो गई थी 20 ओवर में एंड उसके बाद बांग्लादेश टीम जो है इसी ग्राउंड पर चेस करते हुए दोस्तों 6 विकेट 18 ओवर 5 गेंद में मैच को विन कर लिया था, जिसमें कि थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि किस बॉलर्स को हेल्प मिली थी, पेसर को दोस्तों 7 विकेट मिली थी, स्पिन को 7 विकेट मिली थी, एडवांटेज दोनों जो कि प्लेयर्स को मिले थे यानी कि बॉलर्स को, स्पिनर और पेसर को दोस्तों। बट जो यहां पे लास्ट 2 ईयर्स का डाटा है यहां पे पिच देखिए जो सुटेबल रहने वाली स्पिनर के लिए रहने वाली। दोस्तों बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, रिसेंट जो थी सेम रहने वाली, अगर कोई चेंजमेंट होता तो बेंच प्लेयर दोस्तों आपको शो करूंगा एंड बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे अपडेट आपको मिल जाएगा। देखिए इस टीम के जो ओपनर है गाइस रोनी तलुकदार राइट हैंड बैट्समैन है, लिटन दास जो कि विकेट कीपर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है एंड अगर हम बात करें रोनी तलुकदार की गाइस तो रिसेंट इन्होंने 2 मैच खेले हैं, जिसमें कि पहले मैच में 21 रन, उसके बाद इस ग्राउंड पे दोस्तों रिसेंट जो 9 रन थे। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं गाइस 2 मैच हैं सामने टीम के केस में यानी कि इंग्लैंड के केस में 30 रन बनाए 15 ओवर से बैटिंग करते हैं, इस ग्राउंड पे थोड़ा सा यार मिस्टेक यहाँ पे दोस्तों इस ग्राउंड पर इनका पहला मैच था जिसमें कि 9 रन इन्होंने बनाए, तो एडवांटेज कुछ खास नहीं, मतलब ग्रांड लीग के लिए कुछ अच्छे पिक नहीं हो सकते हैं, बट जो रिसेंट इनका फॉर्म रहा है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको ग्रांड लीग में भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 29, 66, 47 इनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो चल रही थी T20 तो उसमें दोस्तों बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस था। फर्स्ट इनिंग में बात करते हैं तो 1 भी मैच अभी तक इन्होंने नहीं खेला, 20 इनिंग में दोस्तों 2 मैच इन्होंने खेले जिसमें कि 27 ओवर से बैटिंग करते हैं एंड फिलहाल अगर हम बात करें टीम में रखें तो यार स्मॉल लीग हेड में आप लेकर के जा सकते हैं, ग्रांड लीग के लिए मेरे हिसाब से कुछ अच्छी पिक नहीं रह सकते। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लिटन दास जो कि विकेट कीपर है, रिसेंट इन्होंने 2 मैचेस खेले जिसमें गाइस अगर आप देख रहे हैं दोनों मैच में उतना खास कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिले एंड डिसेंट फॉर्म तो यार आप देख ही सकते हैं, उतना ज्यादा यहाँ पे भी दोस्तों इनको हेल्प नहीं मिल रही है। एंड अगर बात करते हैं हेड रिकॉर्ड्स की तो सामने टीम के केस में दोस्तों इन्होंने 3 मैचेस खेले जिसमें कि 30 रन 10 ओवर से बैटिंग करते हैं, इस वेन्यू पे टोटल इन्होंने 17 मैच खेले T20 के जिसमें 437 रन बना रहे हैं और 25 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। यार पिच देखिए इनको सपोर्ट कर रही है बट जो रिसेंट इनका फॉर्म रहा यार ओडीआई मैच पूरी तरीके से फ्लॉप थे एंड 2 T20 मैच भी खेल चुके गए तो उसमें भी कुछ अच्छी बैटिंग नहीं देखने को मिली, बट ग्राउंड में जो 25 ओवर से बैटिंग करते तो कहीं ना कहीं यार इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मतलब ये अच्छे रन भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट इनिंग हम बात करते हैं तो 24 ओवर से बैटिंग करते हैं, 19 ओवर से बैटिंग करते हैं एंड अगर हम बात करें टीम में रखने की तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो फिलहाल इन दोनों को प्लेयर्स को दोस्तों एक को ही आपको सिलेक्शन करना है, अगर आपको अपने ग्राउंडिंग में किसी को पिक करना है तो अदरवाइज दोनों को ही आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस आप यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन मिलेंगे बांग्लादेश टीम में नजमुल हुसैन सैंटो, तौहीद हेरोडॉय। नजमुल हुसैन सैंटो की बात करते हैं राइट हैंड बैट्समैन, रिसेंट 2 मैच इनके भी हैं जिसमें कि यार दोनों मैच में आपने देखा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिले, पहले मैच में 51 रन, उसके बाद यहाँ पे 46, वो भी नेट आउट इसी ग्राउंड का था दोस्तों। देखिए रिसेंट जो इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के गेम्स में मैचेस खेले तो उसमें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस था भी, बाकी अगर आप ओडीआई में देखते हैं जो रिसेंट खेल करके आ रहे हैं बांग्लादेश इंग्लैंड के गेम्स में दोस्तों तो उसमें भी इनका गजब परफॉर्मेंस रहा है। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं इंग्लैंड के गेम्स में 2 ही मैच है जो रिसेंट वाला आपने देखे 97 रन बना चुके हैं, 97 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वाले मैच में दोस्तों यहाँ नॉट आउट है। वेन्यू पे बात करते हैं 4 मैच में 98 रन हो चुके हैं, 32 ओवर से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड और हेडक्वार्टर दोनों ही कमाल का है तो मेरे हिसाब से इनको टीम में लेकर के जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये रिस्क ज्यादा अपनी बैटिंग पे ले नहीं रहे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने जैसे कि देखा रिसेंट वाले में 47 गेंदों में 46 रन इन्होंने बनाया था दोस्तों। फर्स्ट इनिंग में बात करते हैं 28 ओवर से बैटिंग करते हैं, ट्रेंडिंग गाइस ये 22 ओवर से बैटिंग करते हैं तो यार मेरे हिसाब से दोनों तरफ से ठीक ठाक बैटिंग करते हैं तो आप दोनों तरफ से इनको लेकर के जा सकते हैं।
तौहीद हुर्री जो है जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट दो मैच है इनके, जिसमें अगर बात करें लास्ट कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस की तो यार कुछ खास नहीं रहे हैं। हेडक्वार्टर्स दो मैचेस इसमें 41 रन बना करके जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाले दोनों मैचेस में दोस्तों उनको अच्छी हेल्प मिली 24 और 17, मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट में बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस है। एंड दोस्तों 20 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर पहला मैच था, 17 रन बनाए, 17 के ओवर से बैटिंग करते हैं, तो यार इनको दोस्तों हम टीम में भी देख सकते हैं, खास करके मेरे लिए तो स्मॉल लीग और हेड में अच्छी पिक रहेंगे, ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल ट्वेंटी मैचेस में भी 24 करोड़ से बैटिंग करते हैं दोस्तों। फर्स्ट इनिंग अगर हम देखते हैं तो एक भी मैच इन्होंने अभी तक बैटिंग नहीं करी, 20 में 20 करोड़ से बैटिंग करते हैं, तो यार सेकंड इनिंग का गजब का है, फर्स्ट इनिंग अभी हमने देखा नहीं, अगर खेलते हैं दोस्तों तो कुछ अच्छा एक्सेप्ट आप इसे कर सकते हो, क्योंकि बैट्समैन बहुत ही गजब का है दोस्तों, तो पिक कर सकते हैं आप दोनों को दोस्तों, जो मिडिल ऑर्डर आपने देखा तो दोनों को पिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग में जो कि नजमुल साइंटो को लेकर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तौहीद हुर्री को डॉय को जो है फिलहाल आप स्मॉल लीग और हेड में पक्का पिक करेंगे इस। एंड यहाँ पर बात करेंगे जो थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते जाएंगे, मेहंदी हसन मिराज और एंड उसके साथ साकिब अल हसन दोस्तों। देखिए अगर हम बात करते हैं मेहंदी हसन मिराज की, तो राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक स्पिन बॉलर से देखिए थोड़ा सा इनका बैटिंग ऑर्डर अप डाउन हो सकता है, ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं, अपडेट आपको मिल जाएगा। मेहंदी हसन मिराज जो कि रिसेंट एक मैच खेले हैं, जिसमें कि आपने देखा पहले मैच में आकर तहलका मचा दिया इन्होंने दोस्तों, क्योंकि पिच जो कि स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, हेल्प दे रही है। एंड दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 20 रन प्लस 4 विकेट जो कि इस ग्राउंड पर रहे, और दोस्तों हमेशा करके इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छी फॉर्म देते हैं, आपने देखा होगा इंडिया के अगेंस्ट में दोस्तों जो ओडीआई मैचेस खेले थे तो उसमें भी दोस्तों उन्होंने हाईएस्ट विकेट 5 निकाली थी, ठीक है, तो यार मतलब बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है। एंड हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, पहला ही मैच था जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट में टी ट्वेंटी का, एक मैच में 20 रन और एक मैच में 4 विकेट, इस ग्राउंड पर दोस्तों 3 मैच में 39 रन है, 19 करोड़ से बैटिंग करते हैं और 3 मैच में 5 विकेट है, स्पिनर के लिए अच्छे पिच है गाइस। फर्स्ट इनिंग में बात करते हैं तो फिलहाल जो है 17 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 9 इनिंग में 4 विकेट है। एंड 20 इनिंग में बात करते हैं 10 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 10 इनिंग में 4 विकेट है, तो यार मेरे हिसाब से अगर हम बात करें गाइस तो कंसिस्टेंट प्लेयर रहेगा, बॉलिंग और बॉटिंग जो कि सॉरी बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिल सकती है, तो इनको हम लेकर के अपने टीम में जरूर जाएंगे। साकिब अल हसन की बात करते हैं गाइस, तो साकिब अल हसन जो है रिसेंट अगर हम देखते हैं तो फिलहाल अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, दो मैच रिसेंट इन्होंने खेला है, देखिए बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से आपको ये विकेट जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसेंट दो मैच है, पहले से आप देखते हैं 34 रन नॉट आउट 1 विकेट, उसके बाद यहाँ पे इस ग्राउंड पे 0 रन प्लस 1 विकेट। हेडक्वार्टर्स के 3 मैच हैं जिसमें कि 19 करोड़ से बैटिंग करते हैं और 3 में बॉलिंग करें जिसमें 2 विकेट, तो यार हेडक्वार्टर्स को कुछ अच्छी हेल्प नहीं मिल रही है, बाकी स्पेस वाले प्लेयर हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों खास रहेगी इनके पास, तो यार उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। वेन्यू पे 31 मैच है टोटल, 521 रन बनाए, 19 करोड़ से बैटिंग करते हैं और 21 इनिंग में 39 विकेट है, यार पिछले देखिए स्पिनर ये भी है, तो दोनों में यार किसी न किसी को तो अच्छे विकेट मिलना ही तय है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इनका दोनों को कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कैप्टन वाइज कैप्टन का। एंड उसके बाद दोस्तों डेथ के बैट्समैन जो कि आफिफ हुसैन, आफिफ हुसैन की बात करते हैं गाइस, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, रिसेंट दो मैच इन्होंने खेले हैं जिसमें अगर हम देखते हैं तो यार दोनों मैच पे कुछ खास कंसिस्टेंट नहीं रहे, देखिए 15 वो भी नॉट आउट, उसके बाद 2, एंड लास्ट के कुछ मैचेस यहाँ पे ओडीआई वाले देखते हैं दोस्तों, तो फिलहाल उसमें भी कंसिस्टेंट ये नहीं रहे। हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट में 3 मैच है जिसमें कि 22 रन 11 करोड़ से बैटिंग करते हैं, एंड दोस्तों वेन्यू पे 21 मैच टोटल इन्होंने खेले जिसमें कि 22 करोड़ से बैटिंग करते हैं, तो यार देखिए इनका बैटिंग ऑर्डर भी डाउन रहने वाला है, बैटिंग तो मिलेगी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यार बैलेंसड पिच है, बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पे, तो जो कि यहाँ तक बैटिंग तो जरूर आएगी, ठीक है, चाहे कितने भी कम रन दोस्तों इंग्लैंड अगर फर्स्ट इनिंग करके बनाती है तो फिर भी इनको बैटिंग जरूर आएगी, बट यार मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं, ग्रैंड लीग के लिए कुछ अच्छी पिक नहीं रहेगी, तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग जो है फिलहाल ये 19 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 20 गाइस अगर बात करते हैं 25, तो सेकंड इनिंग देखिए चेस कर रहे थे, फिर भी यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कुछ अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिले, तो फिलहाल अभी के लिए इनको ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन अगर बात करते हैं, तस्कीम अहमद जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, रिसेंट दो मैच है इनके, जिसमें कि पहले मैच दोस्तों इनको 1 विकेट मिली उसकी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर 1 विकेट इनको मिली है, एंड लास्ट के अगर हम कुछ मैचेस देखते हैं तो यार कंसिस्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 विकेट 1 विकेट, तो यार कंसिस्टेंट प्लेयर है, विकेट लेकर के दे रहा है आपको। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल इंग्लैंड के केस में 2 मैच में 2 विकेट है, यार हेल्प इनको मिल रही है, तो टीम में लेकर के जा सकते हैं, बट ग्राउंड पर देखिए मैंने कहा स्पिनर के लिए कुछ अच्छी हेल्प है, रिसेंट ही दोस्तों ऐसा हुआ है जिसमें कि पेसर और स्पिनर को बराबर की हेल्प मिली है दोस्तों, विकेट जो है बराबर की मिली है। एंड देखिए 12 मैच दोस्तों 9 विकेट इनको ग्राउंड पर मिले, तो यार कंसिस्टेंट उतना ज्यादा है नहीं, मतलब ज्यादा रिस्क अगर आपको लग रहा है तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब सभी टीम में हम इनको लेकर नहीं जाने, अगर 4 से 5 टीम में आते हैं तो 1-2 टीम में ही हम इनको पिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे नासूम अहमद जो कि स्पिन बॉलर हैं, मुस्तफिजुर रहमान जो कि लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर हैं, अगर हम बात करें नासूम अहमद की तो रिसेंट 2 मैच है जिसमें अगर हम देखते हैं गाइस तो पहले मैच इनको 1 विकेट मिली हुई है, लास्ट अगर हम देखते हैं इस ग्राउंड पे देखिए स्पिनर के लिए अच्छी हेल्प है, बट दोस्तों इनको एक ओवर में दोस्तों इन्होंने 13 रन जो कि फिलहाल दिए, उसके बाद इनको 1 ही ओवर स्पेल का मिला था गाइस, तो यार उसमें ज्यादा हम क्या ही समझ सकते हैं, ठीक है, ओवर अगर स्पेल के कटेंगे तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो है तो मतलब विकेट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, बट यार स्पेल तो कटेंगे क्योंकि 4 बॉलर्स 5 बॉलर्स मौजूद है, उसके बाद मेहंदी हसन मिराज और साकिब अल हसन गाइस, तो यार एक ना एक बॉलर्स का स्पेल जरूर कटेगा, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं गाइस, 3 मैच है जो कि इंग्लैंड
है कि इसमें दो विकेट हैं, इस ग्राउंड पे अच्छी हेल्प इनको मिली, 14 मैच दोस्तों 20 विकेट, देखिए स्पिनर है, अच्छी हेल्प दोस्तों मिलनी ही चाहिए। बट यार स्पेल तो आप देख सकते हैं रिसेंट एक दिया गया, अगर दोस्तों यहाँ पे स्पेल मिलते तो विकेट बनते को जरूर मिलती। ठीक है, लास्ट टॉस के बाद दोस्तों मैं क्लियर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि इनको रखना है कि नहीं रखना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान जो कि लेफ्ट आर्म पे सर बहुत रिसेंट दो मैच है, जिसमें अगर आप देख रहे हैं तो यार लास्ट के कुछ मैच में कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं, अभी विकेट इनको मिलना स्टार्ट हो गई है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फ्लॉप फ्लॉप। टीम में रखने की बात करेंगे तो टीम जो कि वेन्यू को देखते हुए रख सकते हैं, हेडक्वार्टर्स 3 मैच 2 विकेट हैं, एंड वेन्यू दोस्तों अगर हम देखते हैं 29 में 39 विकेट हैं, तो कंसिस्टेंट है टीम में दोस्तों आप लेकर के जा सकते हैं इनको। देखिए फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 36 से 50 विकेट है, ट्रेंडिंग में 42 से 48। तो अगर ये फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराते हैं तो अच्छी फॉर्म में रहते हैं, विकेट मिलने चांसेस हो जाते हैं, अगर सेकंड में बॉलिंग कराते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड गाइस जो कि इस टीम के लास्ट प्लेयर हसन महमूद जो कि राइट आर्म पेसर बॉलर्स हैं, देखिए दोस्तों इन्होंने जो है रिसेंट दो मैच खेले, दोनों मैचेस में कंसिस्टेंट, देखिए प्लेयर भी कंसिस्टेंट है गाइस, दो विकेट पहले मैच उसके बाद एक विकेट जो कि इस ग्राउंड का था, बाकी अगर हम देखते हैं कुछ लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस, यहाँ पर देखिए एक विकेट यहाँ पर 0 विकेट, मतलब बंदा कंसिस्टेंट यार विकेट जरूर मिलेगी। एंड दोस्तों मगर बात करते हैं हेडक्वार्टर्स के, दो मैच है इंग्लैंड के गेस में जिसमें 3 विकेट है, इस ग्राउंड पर दोस्तों 2 मैच है जिसमें कि 1 विकेट है जो कि रिसेंट वाला है। दोस्तों फर्स्ट इनिंग बात करते हैं तो फिलहाल यहाँ पे 7 इनिंग में 10 विकेट, ट्रेंडिंग में 4 में 5, दोनों तरफ से इनको हेल्प मिल रही है दोस्तों, लेकर के आप जा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे बांग्लादेश के बेंच प्लेयर की, तो फिलहाल आपको मिलने वाले समीम हुसैन पटवारी और रिजाइर रहमान राजा। समीम हुसैन पटवारी की बात करते हैं गाइस, रिसेंट देखिए इन्होंने जो एक मैच खेला था बट इनको बैटिंग नहीं मिली थी, एंड हेडक्वार्टर्स का एक भी मैच नहीं, वे दोस्तों 6 मैच इन्होंने खेले जिसमें 34 रन 6 की ओर से बैटिंग करते हैं, तो यार अगर आते हैं टीम में तो आप इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। एंड उसके बाद रिजाइर रहमान राजा की बात करते हैं गाइस, तो रिसेंट इनका एक भी मैच नहीं है मतलब अभी जो फिलहाल में। एंड अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो बहुत ही गजब की बॉलिंग कराते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो कई अगर टीम में आता है तो फिलहाल मेरे हिसाब से इनको हमें करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल भी 27 इनिंग में 30 विकेट है, तो बंदा ठीक ठाक रहेगा, अगर प्लेइंग में शामिल होगा तो जरूर हम इनको ट्राई करने के लिए सोचेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कि लास्ट प्लेयर इनका बेंच का रहने वाला नूरुल हसन सोहन, जो कि अगर हम बात करें रिसेंट फॉर्म तो कुछ खास कंसिस्टेंट नहीं है, अगर टीम में आते गए तो मेरे हिसाब से इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे मैं आपको प्लेयर बैटल भी बताऊंगा तो आप लोग वीडियोस के साथ जरूर बने। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग के बारे में, प्लेयर स्टेट्स के बारे में। इस टीम के जो ओपनर है फिलिप सार्ट, डेविड मलन, फिलिप सार्ट की बात करते हैं राइट हैंड बैट्समैन, रिसेंट 2 मैच है जिसमें कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिले, पहले मैच 38 उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर 25। एंड ओडीआई मैच में देखिए लास्ट जो कुछ खेले थे कुछ अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं था, बट ये टी20 मैचेस गजब का खेलते हैं, तो टीम में आप इनको पिक कर सकते हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं बांग्लादेश के गेस में 63 रन बनाए 2 मैचेस में, जिसमें कि 31 करोड़ से बैटिंग करते हैं, इस वेन्यू में दोस्तों इन्होंने 25 रन भी बनाया था, तो इनको टीम में हमें लेकर के चलना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग में 17 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ट्वेंटी में बात करते हैं 29, देखिए 17 करोड़ फर्स्ट इनिंग में रहता है, फिर भी इन्होंने जो है दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग करी, अगर सेकंड इनिंग दोस्तों चेस करना पड़ गया तो आप इनसे और भी अच्छा एक्सेप्ट कर सकते हैं। डेविड मिलन जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट 2 मैच है जिसमें कि दोनों मैच दोस्तों ये फ्लॉप नहीं है, बाकी अगर आप लास्ट कुछ ओडीआई मैचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे शतक भी लगा करके आ रहे हैं गाइस। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं 3 मैच दोस्तों जो है बांग्लादेश के गेस में 37 रन है, 12 करोड़ से बैटिंग करते हैं, वेन्यू दोस्तों 1 मैच में 5 ही रन है। फर्स्ट इनिंग में बात करते हैं 46 करोड़ से बैटिंग करते हैं, ट्वेंटिंग में 32 करोड़ से, देखिए जब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 46 करोड़ से बैटिंग करते हैं फिर भी ये फ्लॉप है, तो कुछ मतलब मेरे हिसाब से टी20 मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाते, बट दोस्तों देखिए इनको टीम में हम ड्रॉप भी नहीं कर सकते, अगर दो टीम बनाएंगे तो एक टीम में जरूर लेकर के जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये है कभी भी अच्छा रन बना सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो कि मोइन अली, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट आपने देखा थोड़ा सा ये पहले बैटिंग करने आ गए थे जॉस बटलर से पहले, और जॉस बटलर दोस्तों अगर आपको मिल रहे थे तो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे मिलेंगे। एंड मोइन अली की बात करते हैं गाइस जो कि रिसेंट 2 मैच इन्होंने भी खेले हैं, जिसमें अगर आप देख लें पहले मैच में 8 रन प्लस 1 विकेट, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिलहाल यहाँ पे 15 रन प्लस 1 विकेट, तो यार स्पेल के ओवर भी दोस्तों इनको मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, विकेट भी मिल रही है, तो ये स्पेस वाले प्लेयर रहेंगे दोस्तों, इनके साथ हमें जरूर जाना पड़ेगा। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं 3 मैच है जिसमें कि 23 रन है, एंड कुछ खास कंसिस्टेंट रन नहीं बना रहे बट यार विकेट तो इनको मिल ही रही है। एंड दोस्तों देखिए 3 मैच इन्होंने बॉलिंग कराई है बांग्लादेश में जिसमें कि 4 विकेट इनको मिल रही है, इस ग्राउंड पर देखिए 1 मैच में 1 विकेट मिल रही है और फिलहाल 15 रन भी बनाते, यार पिच इनको भी बहुत ज्यादा हेल्प दे रही है। एंड एवरेज स्कोर की बात करते हैं, फर्स्ट इनिंग में 24 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 25 इनिंग में 19 विकेट है, 20 इनिंग में बात करते हैं तो फिलहाल जो है 20 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 31 इनिंग में 22 विकेट, तो यार फर्स्ट इनिंग अगर ये बॉलिंग कराएंगे तो कुछ अच्छा और भी आपको दोस्तों प्रोवाइड कर सकते हैं, विकेट वगैरह दोस्तों और ज्यादा इनको मिल सकती है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं जॉस बटलर की जो कि टीम के कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट अगर बात करते हैं पहले मैच में 67 रन, उसके बाद यहाँ पे 4 रन, देखिए वेन्यू दोस्तों इनको वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने पहले ही जो कि फिलहाल वीडियोज बताया था दूसरे टी20 मैच में, रिसेंट देखिए कुछ खास नहीं बट ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, बट उतना भी ठीक नहीं जिस हिसाब से जाने जाते हैं दोस्तों। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं 3 मैच है जिसमें 89 रन है, 29 करोड़ से बैटिंग करते हैं, वेन्यू पे देखिए 5 मैच में सिर्फ और सिर्फ 78 रन है, 15 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, देखिए दोस्तों वेन्यू पे पूरी तरीके से फ्लॉप है, तो यार कैप्टन वाइज कैप्टन थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, ठीक है थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। फर्स्ट इनिंग में 37 करोड़ से बैटिंग करते हैं, और दोस्तों चेस करना अगर पड़ गया तो 33 करोड़ से बैटिंग करते हैं, बट दोस्तों टीम में तो हमें लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेयर से कभी भी अच्छा स्कोर निकल सकता है और कभी भी दोस्तों ये प्लेयर जो है बैटिंग कर सकता है अच्छी खासी।
एंडरसन जो कि इंग्लैंड टीम के डेथ के बैट्समैन रहने वाले बेन डकेट और सैम करन। बेन डकेट की बात करते हैं इस लेफ्ट हैंड बैट्समैन रिसेंट दो मैच हैं जिसमें कि रिसेंट अगर हम देखते हैं तो फिलहाल दोनों जो कि मैचेस में अच्छी खासी फॉर्म में थे 20 और 28। तो यार इस प्लेयर को भी हमें टीम में लेकर के जाना पड़ेगा ग्रैंड लीग के। रिसेंट अगर बात करते हैं देखिए अच्छा परफॉर्मेंस था, बाकी हेडक्वार्ट दो मैच में 48 रन 24 की ओर से बैटिंग करते हैं। इस ग्राउंड पर भी इनको एक मैच में 28 रन मिले हुए हैं। तो फर्स्ट इनिंग अगर बात करते हैं 54 की ओर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 24 की ओर से बैटिंग करते हैं। इनको दोनों तरफ से हम टीम में अपने रख सकते हैं। सैम करन की बात करते हैं, रिसेंट दो मैच हैं देखिए अगर हम बात करें पहले मैच 6 रन प्लस 0 विकेट, देखिए स्पेल भी दोस्तों इनके कट रहे हैं आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो कि इंग्लैंड की टीम में भाई मोइन अली भी बॉलिंग करा रहे हैं पूरे के पूरे करा दे रहे हैं, और तो यार कहीं ना कहीं तो कटना ही है क्योंकि बॉलर्स भी दोस्तों मौजूद हैं। एंड अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स के दो मैच इनके के हैं जो बांग्लादेश के अगेंस्ट में 18 रन है, दो मैच में एक ही विकेट है। इस ग्राउंड पर देखिए एक मैच में 12 रन प्लस एक विकेट, यार पिच इनको भी हेल्प दे रही है। तो दोस्तों इनको भी हमें टीम में लेकर के चलना पड़ेगा, और बेन डकेट भी दोस्तों हम ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस देखिए यहाँ क्रिस ओक्स जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं, राइट हैंड बैट्समैन भी है, रिसेंट दो मैच हैं जिसमें कि पहले मैच है दोस्तों आपने देखा कि इनके स्पेल क्योर कटे और 1 रन प्लस 0 विकेट, उसके बाद लास्ट में भी दोस्तों आपने देखा स्पेल कटे और फिलहाल 0 रन प्लस 0 विकेट। तो कुछ खास ये देखने को मिल नहीं मिल रहा है दोस्तों, और रिसेंट फॉर्म भी आप इनका देखते हैं तो कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट ये है नहीं। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, दो मैच में एक ही रन है एंड 3 इनिंग में एक विकेट, तो यार आप समझ सकते हैं। वेन्यू पर अगर बात करते हैं तो फिलहाल वेन्यू पर दोस्तों इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। एंड अगर बात करें टीम में रखेंगे तो फिलहाल मेरे हिसाब से टीम से इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। जो फ्रांसर की बात करते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर सर, रिसेंट गाइस इन्होंने जो है एक मैच खेला जिसमें 3 विकेट दोस्तों इनको मिल चुकी है। एंड अगर हम बात करते हैं गाइस इनके रिसेंट फॉर्म की, तो यार बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रन प्लस 3 विकेट, हेडक्वार्टर्स का पहला ही मैच था जिसमें 3 विकेट इनको मिली दोस्तों। वेन्यू पर अगर हम देखते हैं तो फिलहाल पहला मैच था जिसमें 3 विकेट दोस्तों इनको मिली है। एंड टीम में रखने की बात करें गाइस यार, तो मेरे हिसाब से टीम में तो लेकर के जाना, बट कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क भी आपको नहीं लेना क्योंकि दोस्तों ये जो पिच जो कि ज़्यादातर स्पिन को सपोर्ट करती है और ये पेसर हैं, बट टीम में आप तो लेकर के जाना चाहते हैं तो लेकर के जा सकते हैं। अगर आपको रिस्क पसंद है तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लीजिएगा, बट जो है वेन्यू को देखते हुए फिलहाल मैं जो कि पेसर को साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए आदिल राशिद एंड क्रिस जॉर्डन जो कि आपको नीचे बैठे बॉलिंग करते नजर आएंगे। आदिल राशिद की बात करते हैं गाइस, रिसेंट दो मैचेस हैं जिसमें पहले मैच आपने देखा 1 विकेट और यहाँ पे लास्ट में 0 विकेट। देखिए स्पिन बॉलर्स हैं गाइस, बट अगर हम देखते हैं तो यार जो इनका T20 मैचेस रिकॉर्ड रहता है कुछ खास नहीं रहता है, एंड ओडीआई में बहुत गजब की फॉर्म में रहते हैं गाइस। देखिए हेडक्वार्टर्स के 8 मैच इन्होंने खेले, मतलब कि जिसमें कि 8 मैच 19 विकेट है। वेन्यू पर पहला ही मैच था जिसमें कुछ अच्छी हेल्प नहीं मिली है। लास्ट मैचेस की बात करते हैं गाइस, तो अच्छी फॉर्म में थे। यहाँ पे देखिए 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, बट यहाँ पे जब से T20 स्टार्ट हुआ दोनों मैचेस में दोस्तों कुछ खास हेल्प नहीं मिली। तो यार सभी टीम में इनको भी हमें लेकर के जाना नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। क्रिस जॉर्डन की बात करते हैं राइट आर्म पेसर बॉलर से, रिसेंट दो मैच इनके भी हैं दोस्तों जिसमें कि अगर हम देख रहे हैं तो यार इनको भी कुछ अच्छी हेल्प दोनों मैचेस में नहीं मिली है। हेडक्वार्टर 3 मैच इन्होंने खेले बांग्लादेश के केस में, भाई तीनों मैचेस में इनको 0 ही विकेट है। इस ग्राउंड पर पहला मैच था जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी ये 0 है, बट अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग तो ये फिलहाल 48 इनिंग में 58 विकेट निकाली हुई है। 20 में बात करते हैं तो फिलहाल यहाँ पे 36 में 37 विकेट है। देखिए इनका वैसे भी अगर ये सेकंड बॉलिंग कराते हैं तो फिर वैसे भी इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब मुश्किल से ही विकेट मिल सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे दोस्तों पहले इंग्लैंड टीम बॉलिंग कराती है तो यार इनसे कुछ अच्छा एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस जॉर्डन को फिर विकेट मिल सकती है और टीम में भी दोस्तों हम फिर लेकर के जा सकते हैं। एंड दोस्तों जो कि इस टीम के लास्ट प्लेयर रहेंगे रेहान अहमद जो कि अगर हम देखते हैं स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट 1 मैच है जिसमें कि 1 विकेट इनको मिल गई है। एंड ओडीआई में देखिए दोस्तों ओडीआई में भी आए थे इनको विकेट मिली थी। हेडक्वार्टर्स का पहला ही मैच था जिसमें दोस्तों अगर बात करते हैं तो इनको 1 विकेट और प्लस 11 रन जो कि ग्राउंड पर ही थे दोस्तों। ठीक है टीम में रखने की बात करते हैं, स्पिनर है स्मॉल लीग और हेडवुड में आप लेकर के जा सकते हैं क्योंकि वहां पर दोस्तों कोई नहीं इनको लेकर के आएगा, और स्पेल दोस्तों इनको मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से विकेट भी इनको मिलेगी इस ग्राउंड पर। ठीक है एंड उस हिसाब से क्या करेंगे, स्मॉल लीग और हेडवुड में आपके लिए वन साइडेड ये विनिंग करा सकते हैं, ग्रैंड लीग में कोई ना कोई तो लेकर के आ ही जाएगा। एंड गाइस जो कि इस टीम के बेंच प्लेयर है मार्क वुड रिस्ट ऑफ प्ले जो कि मार्क वुड ने रिसेंट 1 मैच खेला था जिसमें कि 1 ही विकेट मिली थी, कुछ खास कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिले थे। बाकी अगर हम हिट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों, पहला मैच था वेन्यू पे इनका 1 भी मैच नहीं है। टीम में रखने की बात करें अगर टीम में आते तो फिलहाल लेकर भी जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों T20 के बहुत ही गजब के प्लेयर्स हैं। रिस्ट ऑफ प्ले देखकर अगर देखते हैं तो रिसेंट इनके जो 5 मैचेस थे कुछ खास नहीं है अगर प्लेइंग में शामिल होते गए, तो सभी टीम में हम इनको नहीं लेकर के जा सकते हैं। बाकी देखिए प्लेयर बैटल देखिए, यहाँ पर प्लेयर बैटल मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर का ही देने वाला हूँ, बाकी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए देखा और समझ सकते हैं खुद से भी। जॉस पटेल देखिए अगर देखते हैं तो फिलहाल इनको जो है साकिब अल हसन ने ODI में एक बार आउट किया है, और यहाँ पे नासूम अहमद ने T20 में आउट किया है, मुस्तफिजुर रहमान ने IPL में एक बार आउट किया है, मेहंदी हसन मिराज ODI में एक बार आउट कर चुके हैं, हसन मैदान जो कि इनको 2 बार आउट कर चुके हैं T20 मैच में, और तस्कीम अहमद जो कि ODI में इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस हिसाब से इनको रिस्क हो सकता है। बाकी गाइस बात कर लेते हैं मोइन अली की, तो मोइन अली को जो कि मेहंदी हसन मिराज जो कि है ODI में एक बार आउट कर चुके हैं, T20 में भी एक बार आउट कर चुके हैं, तस्कीम अहमद इनको ODI में एक बार आउट कर चुके हैं। तो फिलहाल देखिए मोइन अली का कुछ खास नहीं है मतलब प्लेयर बैटल, तो इनको टीम में सोच सकते हैं, लेकर के भी आप जा सकते हैं। फ्लिप साइड की बात कर लेते हैं
तो नासूम अहमद दोस्तों इनको एक बार जो कि आउट कर चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद साकिब अल हसन ने इनको ओडीआई में आउट किया, साकिब अल हसन ने इनको टी20 मैचेस में दोस्तों आउट किया हुआ। तस्कीम अहमद इनको ओडीआई में एक बार आउट कर चुके हैं। देखिए सैम करन तो फिलहाल नीचे बैटिंग करते हैं, तो दोस्तों आप लोग अगर आपको जरूरत है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेन डकेट, तो मुस्तफिजुर रहमान इनको टी20 मैचेस में दोस्तों दो बार आउट कर चुके हैं। साकिब अल हसन ने भी दोस्तों इनको एक बार ओडीआई में आउट किया हुआ है गाइस, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं डेविड मिलन की, तो डेविड मिलन को यहां पे देखिए महेंद्र शरण मिराज ने ओडीआई में एक बार आउट किया हुआ है, और साकिब अल हसन ने दोस्तों टी20 मैच में एक बार आउट किया हुआ है। एंड उसके बाद तस्कीम अहमद ने भी दोस्तों इनको एक बार आउट किया हुआ डेविड मलन को गाइस, ठीक है। तो ये जो कि था इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड उसके बाद बात करते हैं यहां पे बांग्लादेश टीम के बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड के बॉलर्स के बारे में। देखिए फिलहाल लिटन दास को दोस्तों यहां पे सैम करन ओडीआई में दो बार आउट कर चुके हैं, क्रिस ओक्स एक बार, और जोफ्रा आर्चर टी20 में एक बार, मोइन अली एक बार, एंड सैम करन ने दोस्तों टी20 में एक बार आउट किया हुआ है। दोस्तों महेंद्र सिंह मिराज की बात करें तो देखिए डेथ में बैटिंग करेंगे दोस्तों, बाकी आप स्क्रीनशॉट यहां पे आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर देखिए नजमुल हसन सैंटो, जो कि सभी के टीम में रहने वाले, देखिए इनको दोस्तों जो है मोइन अली ने फिलहाल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दो बार आउट किया हुआ है। आदिल लासिद ने भी दोस्तों इनको एक बार आउट किया हुआ है, आदिल लासिद डोमेस्टिक ओडीआई में भी इनको आउट कर चुके हैं। मार्क वुड जो कि आते हैं तो गाइस अच्छा रहेगा, एक विकेट दोस्तों एक बार इनको आउट कर चुके हैं टी20 मैच में। सैम करन ने भी इनको आउट किया हुआ है गाइस। रोनी तेलुगदा देखिए राशिद खान सॉरी आदिल राशिद एक विकेट इनको है, एंड जोफ्रा आर्चर ने भी इनको एक बार आउट किया हुआ है रोनी तेलुगदा को। एंड उसके बाद साकिब अल हसन की बात करते हैं गाइस, मोइन अली इनको ओडीआई में तीन बार आउट कर चुके हैं, आदिल हसन ने एक बार, क्रिस ओक्स एक बार, जोफ्रा आर्चर दोस्तों एक बार, एंड उसके बाद यहां पे जोफ्रा आर्चर ने फिर से आईपीएल में इनको एक बार आउट किया हुआ है मोइन अली, जो कि टी20 मैच में और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इनको आउट कर चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर का जो कि प्लेयर बैटर बताया, बाकी अगर हम देखते हैं तौहीद हरिदवार जो कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहेंगे, मोइन अली दोस्तों इनको टी20 में एक बार और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दोस्तों एक बार आउट कर चुके हैं, और रेहान अहमद ने भी तौहीद हरिदवार को टी20 मैच में एक बार आउट किया हुआ है। ऐसी मेरी पहली टीम रहेगी। अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यार सेफ अगर आप जाना चाहते हैं तो महेंद्र शरण मिराज साकिब अल हसन आपके पास ऑप्शन रहेंगे, या तो महेंद्र शरण मिराज मोइन अली या साकिब अल हसन मोइन अली का आप कर सकते हो, क्योंकि इनको इतने स्पिनर हैं और अच्छी हेल्प दोस्तों स्पिनर को यहाँ पे मिल सकती है। देखिए यहाँ पे जो बैट्समैन समझदारी से खेलेगा, सूझबूझ से खेलेगा, तो वही रन बनाएगा। अगर अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे जो हिटिंग करने के लिए सोचेगा यार वो विकेट जल्दी गवाएगा, फिर उस हिसाब से दोस्तों बॉलिंग पिच हो सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आदिल लासिद भी रहेंगे, आप तस्कीम अहमद के साथ जगह पर उनको रख सकते हैं, ठीक है। नासूम अहमद भी रहेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी टॉस के बाद, जो कि फिलहाल लाइनअप अनाउंसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों जोश पटेल को कैप्टन कब बनाना है, फ्लिपकार्ट को, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाले, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।